जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूँ कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के।